हेलो फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत ऑप्टेटिव सेंटेंस का। किस प्रकार यदि वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस में है तो कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित करेंगे मित्रों। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए, पहले जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। देखिए, इसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिवादन, विदाई आदि के भावों को एक्सप्रेस किया जाता है, अर्थात व्यक्त किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो है इच्छा प्रकट होती है, प्रार्थना प्रकट होती है, आशीर्वाद प्रकट होता है, अभिवादन होता है और विदाई आदि के भाव व्यक्त होते हैं मित्रों। तो देखिए, इसका रूल है, देखिए, सेट टू और सेट टू को हटाकर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हटाकर यदि इच्छा प्रकट हो रही है तो विस्ट लगा देंगे, यदि भगवान से प्रार्थना की जा रही है तो प्रेड लगा देंगे, यदि आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सेकंड है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर्वप्रथम मे का यूज किया गया हो तथा इंट्रोगेटिव न हो तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में माइट का यूज करते हैं, मतलब मे को माइट में चेंज कर देंगे। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज किया जाता है, मतलब कंजक्शन इसमें दैट लगता है, और एक्सक्लामेटरी मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहां पर माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, दीर्घायु मतलब खूब जियो, बहुत लंबा जीवन जियो। अब मे यू लिव लॉन्ग, अब इसमें इच्छा, एक पिता द्वारा इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो यहां पर सेट को हटा कर क्या कर देंगे, विस्ट, माई फादर विस्ट मी, अब फिर कंजक्शन दैट लगाएंगे, है ना, हम दैट कंजक्शन दैट लाएंगे। आप देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असेटिव सेंटेंस से बदल देते हैं, इतना याद रखिएगा, इसमें मे शुरू में आया है। जब असेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, यदि असेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा। तो अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको पहले लिखेंगे, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात मी के अनुसार बदलेगा। तो अब यहां पर मी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई हो जाएगा, और मे का माइट, लिव लॉन्ग। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां देखिए लिखा है, द हर्मिट सेट, साधु ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नर्क में जाओ, साधु ने कहा तुम सभी नर्क में जाओ। अब इसमें क्या प्रकट हो रहा है, इसमें अभिशाप प्रकट हो रहा है, श्राप दिया जा रहा है। तो अब इसमें देखिए, जब श्राप दिया जा रहा है तो देखिए रूल के अनुसार है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को विस्ट, इच्छा प्रकट हो रही है तो विस्ट में, किसी को अभिशाप दिया जा रहा है तो कष्ट में, या भगवान से प्रार्थना की जा रही है तो प्रेड में बदलकर सेंटेंस को असेटिव बदल देते हैं और कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं तथा इंटरजेक्शन के चिन्ह को हटा देते हैं। अब इसमें देखिए, श्राप दिया जा रहा है तो सेट को किसमें चेंज हो जाए, कर्स्ट, कर्स्ट में जो श्राप देना, तो यहां हो जाएगा द हर्मिट कर्स्ट, फिर कंजक्शन दैट लगेगा, अब फिर इसको असेटिव में बदल देंगे। देखिए, यू ऑल लिखा है, यू ऑल, अब इसका मतलब कि इसमें देखिए, एक एक व्यक्ति के लिए भी तुम के लिए यू का प्रयोग होता है, एक से अधिक हो तो भी तुम का प्रयोग होता है। अब यहाँ तू यू ऑल लगा, इसका मतलब एक से अधिक है, तो अब ये चेंज आएगा, अब ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। तो हम इसको चूंकि बहुवचन में, इसलिए हम थर्ड पर्सन दे में चेंज कर दिए, दे ऑल मेका माइट हो जाएगा, गो टू हेल बाकी उसी तरह रहेगा। देखिए, नोट में लिखा भी है कि शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश का तथा सांप के लिए कर्ज का प्रयोग करते हैं। ऊपर वाले में देखिए, शुभकामना व्यक्त है, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब इसमें शुभकामना व्यक्त है या इच्छा व्यक्त है तो विश का प्रयोग, और इसमें अभिशाप है तो कर्ज का प्रयोग। नीचे वाले में देखिए, प्रेड का प्रयोग ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए होता है, यदि भगवान से प्रार्थना की जा रही है तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेड का प्रयोग होगा। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। अब इसमें सेड, अब देखिए गॉड है तो यहां सेड का क्या हो जाएगा, प्रेड, ही प्रेड। अब देखिए यहां पर ही प्रेड, अधिकांश ऑप्टेटिव में ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, या ऑब्जेक्ट अगर आप लगाएंगे भी तो इससे लगाएंगे, ही प्रेड फॉर मी, आप लगाएंगे कि ही प्रेड फॉर मी, फॉर इस लगाएंगे, उसने प्रार्थना किया मेरे लिए। अगर हम यहां पर केवल मी लगा दे तो ही प्रेड मी हो जाएगा, उसने मुझसे प्रार्थना किया, जबकि वह क्या कर रहा है, वह उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो अगर मी लगाएंगे भी तो इस तरह होगा, ही प्रेड फॉर मी, और नहीं भी लगाएंगे तो इससे
जो हम इधर सब्जेक्ट यू है इससे मालूम हो जाएगा कि किसके लिए प्रार्थना की जा रही है। तो ही प्रेड दैट, अब देखिए फिर अब उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, गॉड है। अब मेका माइट हेल्प, अभी देखिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार अर्थात मी के अनुसार। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के सामने पर आया है तो यहाँ ऑब्जेक्ट वाला रूप ही लिखा जाएगा। इसमें एक उदाहरण और देखते हैं, देखिए सी सेड टू हिम, उसने उनसे कहा मे गॉड पार्डन योर सिन, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब देखिए यहाँ गॉड लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर सेट के स्थान पर प्रेड होगा, सी प्रेड दैट। अब देखिए अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है क्योंकि ऑब्जेक्ट इससे स्पष्ट हो जाएगा, इसका जो प्रोनाउन इससे स्पष्ट हो जाएगा, अगर लगाना भी चाहते तो इस तरह होगा सी प्रेड फॉर हिम, लगा सकते हैं। तो सी प्रेड दैट, कंजक्शन दैट लेगा, अब फिर गॉड उसके, क्योंकि ये ऑपरेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बदल जाता है और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है तो गॉड हो जाएगा। मेका माइट पार्डन, अब देखिए योर है, योर ये सेकेंड पर्सन का पजेसिव है तो हम इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात ही के अनुसार, हिम के अनुसार। तो अब ये थर्ड पर्सन का है तो हम हिम का पजेसिव लिखेंगे, हिम का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, हिज सिन। आइए कुछ और उदाहरण है देखते हैं। रूल सेकेंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बॉय या गुड नाइट का प्रयोग होता है तो सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं, तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सेट के स्थान पर विस्ट, विस्ट लिखते हैं। अब देखिए जैसे आनंद सेट गुड नाइट कृष्णा, आनंद ने कहा कि कृष्णा गुड नाइट, वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल पुनः मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, आनंद सेट गुड नाइट का प्रयोग है, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स जो है बेड का प्रयोग है, ये गलत दे दिया है, विश के स्थान पर बेड का प्रयोग हुआ, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड, और कहा, अब देखिए ये वी विल मीट अगेन टुमारो, ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य हो गया इसलिए यहाँ पर एंड सेड फिर से रिपोर्टिंग में लिखेंगे और कंजक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है। फिर वी है तो वी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आनंद के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा तो बहुवचन में है तो दे लग जाएगा और विल का उठ जाएगा, मीट अगेन द टुमारो का द नेक्स्ट डे। आगे देखिए ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, उसने कहा मेरे मित्रों गुड बाय, अब देखिए यहाँ पर गुड बाय का प्रयोग है, गुड बाय या गुड नाइट रहेगा तो सेट के स्थान पर बेट का प्रयोग होगा और गुड मॉर्निंग रहेगा तो विस्ट का प्रयोग होगा। अब देखिए गुड बाय है तो सेट के स्थान पर बेट का प्रयोग है, ही बेट गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही बेड हिज फ्रेंड गुड बॉय, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, रवि सेट, रवि ने कहा कि गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों गुड मॉर्निंग, तो अब देखिए इसमें गुड मॉर्निंग का प्रयोग है तो सेट हो जाएगा विस्ट में, रवि विस्ट हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। और एक चीज मित्रों ध्यान देने वाली बात है, इसमें देखिए दैट कंजक्शन नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि जब क्लॉज बनता है तब कंजक्शन लगता है, कोई भी कंजक्शन जब लगेगा तभी लगेगा जब क्लॉज बने, क्लॉज मतलब उसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए और अपनी क्रिया होनी चाहिए और फ्रेंड के बाद कोई क्लास नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं है। एक आगे उदाहरण और देखते हैं, देखिए आई सेड टू, मैंने उससे कहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अब यहाँ पर विश कर रही है इसलिए सेट के स्थान पर विश हो जाएगा, आई विश्ड हर हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ पर देखिए कंजक्शन दैट नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्लास नहीं बन रहा है, क्लास मतलब उसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, अपना वर्ब होना चाहिए। नीचे देखिए हेमा सेड टू रेखा गुड बॉय, तो यहाँ गुड बॉय है, गुड बाय गुड नाइट का प्रयोग हो तो बेड हो जाएगा, हेमा बेड रेखा गुड बाय। भाई देखिए एक और महत्वपूर्ण नियम है इसमें, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टेड क्लास में थैंक यू बी वेयर बाय गॉड आदि शब्द हो तो उन्हें क्रमशः थैंक्ड वांड सोर में बदल लिया जाता है। जैसे देखिए सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद। अब देखिए इसमें थैंक यू है तो इसको बदल देंगे, सेड को बदल देंगे हम थैंक्ड में, सी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, अब यहाँ फॉर माय सपोर्ट, मेरे सपोर्ट के लिए, फॉर माय सपोर्ट मेरे सपोर्ट, यहाँ योर का माय हो गया इसलिए, क्योंकि ये योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर ये योर पजेसिव में है तो यहाँ मी का पजेसिव क्या हो जाएगा, माय, सी थैंक्ड मी फॉर माय सपोर्ट, उसने मुझे मेरे सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। या देखिए इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं लगा इसलिए, क्योंकि ये कोई क्लास नहीं बना रहा है। दूसरा देखिए ही सेड टू हर, उसने उससे कहा कि बी वेयर ऑफ स्ट्रेंजर,
अजनबियों से सावधान रहो। अब देखिए बीवेयर रहेगा तो इसमें चेंज है वार्न में। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सावधान मतलब चेतावनी दे रहा है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर सेट बदल गया वार्न में। देखिए ही वार्न्ड हर, उसने उसे चेतावनी दिया, ऑफ स्ट्रेंजर अजनबियों अज कर रहा है, उसने अजनबियों के प्रति उसे सावधान किया। इस ही वार्न्ड हर ऑफ स्ट्रेंजर, उसने उसने उसे अजनबियों से सावधान किया। अब इसमें ये जो है चेतावनी दे रहा है, इसलिए यहाँ सेट सेट के सामने क्या हो जाएगा, वार्न हो जाएगा। इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं लगाया क्योंकि यह भी कोई क्लास नहीं बना रहा है। अब इसमें देखिए रिपोर्टेड क्लास में सर या मैडम आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए सर और मैडम आएगा तो ये एक आदर्श सूचक वाक्य है, तो हम सर और मैडम को हटा करके इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। देखिए द ऑफिस बॉय सेड टू हिज मैनेजर, ऑफिस बॉय ने अपने मैनेजर से कहा थैंक यू मैडम। अब देखिए द ऑफिस बॉय, अब यहाँ थैंक यू लगा है, थैंक यू मैडम मैडम है, तो अब ये आदर्श सूचक वाक्य है, तो इस तरह हो जाएगा द ऑफिस बॉय रिस्पेक्टफुली, अब थैंक यू लगाया तो क्या हो जाएगा सेट का थैंक्ड द मैनेजर, अब यहाँ मैडम लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिस्पेक्टफुली लगा दिया है और इसको हटा दिया है। तो मित्रों ये वीडियो जो है इसी पर समाप्त होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मित्रों। अब नेक्स्ट, अब इसका केवल एक बचा है इसमें का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसको भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं पैसेज नरेशन का जो पैसेज आता है, पैसेज को कैसे डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसको बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा।